खटीमा कोतवाली क्षेत्र यूपी बॉर्डर पर बसे मझोला गांव की छात्रा किताब लौटाकर कॉलेज से वापस आ रही थी कि पहचान के एक युवक ने कोल्डिंग में नशीला पदार्थ देने के बाद अपने 3 साथियों के साथ छात्रा से दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तत्काल खटीमा पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। पीड़िता ने बताया कि वह डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है। 10 जुलाई को डिग्री कॉलेज में किताबें जमा कराकर जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में एक पहचान का युवक अपने साथी के साथ मिला और उसे होटल ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। नशा चढ़ने पर दोनों युवक उसे यूपी में न्यूरिया के टांडा गाँव ले गए, जहाँ 2 अन्य युवक पहले से मौजूद थे। उन चारों युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे सड़क पर छोड़कर चले गए। छात्रा काफ़ी समय तक इधर उधर भटकती रही। काफ़ी देर बाद ढूंढते हुए छात्रा के परिजन मिले और छात्रा ने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मतलब उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाया, शायद कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया, फिर मुझे चक्कर सा आने लगा, फिर उसको डांडा लेके क्या दुष्कर्म किया, फिर वहीं छोड़ दिया जहाँ मतलब डांडे से डांटे मुझे वहीं पर छोड़ दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। 4 लोग के दिए, मगर दुष्कर्म एक ने किया है। जो हम जो है जिसने छेड़छाड़ किया उसको भी सजा देना चाहते, जिसने दुष्कर्म किया उसको तो हम जो कर रहे करेंगे, मतलब हमारे से न्याय हो चाहिए, हमें न्याय चाहिए हमारे लड़के से। हम उसको गिरफ्तार करेंगे पहले, तो उसके बाद फिर हम जो भी करेंगे उसके साथ उसको सजा दे। सर पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई, आज सर गए हैं गिरफ्तारी करने के लिए, देखो कब तक क्या होता है। हमें गिरफ्तारी जरूर जल्दी चाहिए, हम पूरा न्याय चाहते हैं सर, हमें जल्दी में जल्दी चाहिए, हमें पूरा न्याय। जिसने छेड़छाड़ करी है उसके लिए भी हम सख्ती सजा चाहिए, जिसने रेप करा उसके साथ तो बहुत और बहुत कुछ उससे बुरा होना चाहिए। क्षेत्र का मामला है जिसमें महिला के जो कुछ परिचित लोग ही थे जिनके साथ गई और उसके साथ गलत काम कर दिया गया, तो उसमें तत्काल पुलिस द्वारा जैसे ही नॉलेज में आया जानकारी में FIR दर्ज कर ली गई है और जो अभियुक्त है उनके लिए दबिश दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ जल्दी को गिरफ्तार करके बुझे।